पलवशा नो, चीटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं, अगर चीटिंग करनी है तो गेम मत खेलो प्लीज। प्लीज ना। अच्छा चीटर, मैंने आपको कितना मिस किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। हैप्पी, आपके जाने के बाद मुझे किसी ने स्टोरी नहीं सुनाई थी। ओ झूठी, जो मैंने तुम्हें दर्जनों बुक्स लाके दी, वो स्टोरी बुक सुनने में जो मजा है ना, वो पढ़ने में नहीं है। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, स्टोरी बुक्स में आपको खुद सुनाऊंगी। मैं तो पॉपकॉर्न खाते हुए स्टोरी सुनूंगी। घर में 100 काम पड़े और तुम लोग यहाँ बैठी ठट्ठे मार रही हो। हद होती है बेशर्मी और ढिठाई की। अम्मी अभी तो आकर बैठे, थोड़ी देर खेलने दे हमें। ज्यादा टर टर करने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, बहाज की नौकरी नहीं है अब, अपना बोझ खुद उठाओ तो बेहतर होगा। अच्छा ना, जा रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठी भी बड़ों के बीच, कभी किताब खोल कर देखी अपनी? अम्मी सुनने सब आता है मुझे, सब आता है मुझे। उठो। अरे अकीला, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात हाला अम्मा? वो वहाज के नाम का ना एक लेटर आया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हद है भैया, आप भी भूल जाते। और तुम बंद करो ये नहुसत वाली गेम, भूलने की आदत आपकी अब पुरानी होती जा रही है। क्या चल रहा है? सर ये अकाउंट्स वगैरह मैंने देखे हैं, मेंटेन कर रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह एक आज पूरे हो जाएंगे कंप्लीट सर। और सर आपकी मीटिंग भी है, पता है आपको सर? ठीक है सर, वो आपकी शराजी इंडस्ट्री की सीईओ से मीटिंग है आज। कैंसिल करता हूँ। नहीं सर, कैंसिल कर दो, मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं है। ओके सर। मुश्ताक साहब, मैं ज़रा देर तक यहाँ रुकूँगा दफ्तर में, आपको या ऑफिस वालों को घर जाना हो तो आप लोग जा सकते हैं। प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अरे उस्वा पलवशा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, भाई बाहर गर्मी में खड़ा है। खाला, तुम क्या लेने आए हो यहाँ? खाला मुझे आपसे बात करनी कुछ। तुम्हारी माँ ने कोई कसर छोड़ी थी जो अब तुम बात करने आ गए? खाला मैं अम्मी की तरफ से माजरत मांगने आई। अरे भाई माफ करो, मैं बाज आई तुम लोगों की माफियों से। जाओ जाकर अपना काम करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। खाला प्लीज ऐसे तो मत कहें, अम्मी ने जो भी कुछ कहा वो उसने तो जो कहना था सो कह दिया, अब जो मैं करूँगी ना पूरा खानदान देखेगा। मैं समझ नहीं खाला। कुलसुम को बड़ा नाज है ना तुम पर, मेरी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। रुशना से ऊंचे खानदान में करूंगी अपनी पलवशा की शादी। खाला प्लीज ऐसे तो मत कहें, अम्मा की सजा मुझे तो नहीं। बेटे तो उसी के हो ना, मेरी बेटी के ख्वाब देखना छोड़ दो तुम। खाला प्लीज आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ, एक महीने के अंदर अंदर अगर मैंने अपनी पलवशा की शादी किसी ऊंचे खानदान में ना की तो मेरा नाम भी अकीला है। सुना तुमने? खाला, खाला, जाओ भाई जाओ। खाला, खाला। आ जाते हैं कहां से उठकर, माँ बेइज्जती करके चली जाए।